गुड मॉर्निंग बेटे. यस्टरडे वी स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक ऑफ इंडेक्स नंबर. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, राइट? सो इट इज डिजाइंड टू शो चेंजेस इन द वेरिएबल. सो एवरी इकोनॉमिस्ट, अब क्योंकि हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इंडेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक्स की ही बात करेंगे. तो हर इकोनॉमिस्ट ये, या जो भी पर्सन इकोनॉमी में इंटरेस्टेड है, वो ये जानना चाहेगा कि इकोनॉमी में डिफरेंट वेरिएबल्स में क्या चेंज आ रहा है. ठीक है, लेट अस से प्राइसेस हैं, या एग्रीकल्चरल आउटपुट है, या इंडस्ट्रियल आउटपुट है. सो इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू से ज्योग्राफिकल लोकेशन, पंजाब में हरियाणा के कंपैरेटिवली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आया. सो देयर इज वन स्टैटिस्टिकल मेजर व्हिच इज डिजाइंड टू शो चेंजेस इन द वेरिएबल. ठीक है, वन वेरिएबल और इवन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, एंड दैट चेंजेस कैन बी रिलेटेड विद different period of time or a geographical location or any other characteristic. Usko bolte hain index numbers. So this is very important statistical technique. Isse hume changes measure karne ko pata chalte hain. Ab jaise prices hain, all of us are interested in knowing ke prices mein kya change aa raha hai, kitna change aa raha hai as compared to previous years. Prices kya badh rahe hain, ya stable hain, ya kam hain. और अगर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि लोग जो है वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो विद द सडन विद द चेंज इन प्राइसेस. ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल्सो, दैट इज इट मेजर्स रिलेटिव चेंजेस. आपको पता चल गया कि इंडेक्स नंबर वो डिवाइस है जो चेंजेस मेजर करता है. वेरी सिंपल टू नो बेटे, जैसे आपने आगे साइंस में किया हुआ, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, सिमिलरली इंडेक्स नंबर भी एक डिवाइस है जिससे हम रिलेटिव चेंजेस को मेजर करते हैं. आई हैव नॉट मेंशनड द चेंजेस, आई हैव मेंशनड द वर्ड रिलेटिव चेंजेस. रिलेटिव का मतलब है परसेंटेज चेंजेस. एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट चेंज इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ से प्राइसेस के भी वीट के प्राइसेस इस पर्टिकुलर ईयर में इतने थे, अब इतने हो गए. राइस के इतने थे, इतने हो गए. सब्जियों के इतने थे, इतने हो गए. पेट्रोल का ये प्राइस था, पेट्रोल का ये प्राइस हो गया. दिस इज एब्सोल्यूट, सो दिस गिव्स नो क्लियर पिक्चर. सो इंडेक्स नंबर जो है ये वो डिवाइस है जो कि चेंजेस मेजर करता है रिलेटिव टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में. ये बताता है कि प्राइसेस में इतने परसेंटेज चेंज आया, आउटपुट में इतने परसेंटेज चेंज आया. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर, दैट इट मेजर्स रिलेटिव चेंजेस. सेकेंडली इट गिव्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द चेंजेस. It does not simply states that yes, between 2000 say 19 to 2021 prices are rising. सिर्फ ये कह देना, ठीक है, this is a vague statement, qualitative expression, but index number quantitatively express करता है 2019 से लेके 2021 तक प्राइसेस में 21% चेंज आया है. ठीक है, सो वॉट एवर द चेंज इन प्राइस इज देयर, इट मेजर्स इट क्वांटिटेटिवली. इट डज नॉट सिंपली स्टेट हां जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, या कोविड में लॉकडाउन के करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई है. ठीक है, या नेशनल इनकम या जीडीपी जो है हमारी वो कम हो गई है. नो, इट गिव्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दिस वाज द अनदर फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर. थर्ड, इट शोज चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस. एवरेजेस की टर्म्स में ये चेंजेस को बताता है.
सपोजिंग जब हमने कहा कि 2019 से लेके 2021 तक देयर हैज बीन 21% राइज इन प्राइसेस, दिस इज एन एवरेज फिगर. इसका मतलब ये नहीं है कि हर कमोडिटी लेटर से ए बी सी डी ई पांच कमोडिटीज आप कंज्यूम करते हो, ठीक है. तो इस 21% प्राइसेस में इंक्रीज आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ए का प्राइस भी 21% बढ़ा है, बी का भी 21% बढ़ा है, सी का भी 21%. इट सिंपली मींस ऑन एन एवरेज देयर हैज बीन 21% राइज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज व्हिच यू जनरली बाय. जिस तरह से लेटर से मैंने आपसे पूछा बेटे पीटी वन में कितने मार्क्स थे, आपने मेरे को बता दिया मैम मेरे 48% मार्क्स थे. मैंने कहा पीटी टू में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, आपने कहा 55% आए, विच मींस ओवरऑल 7% बढ़ गए आपके. अब इसका मतलब हर सब्जेक्ट में 7% बढ़े हैं. Would that mean कि आपके हर सब्जेक्ट में 7% मार्क्स बढ़े हैं? नहीं, ये एक एवरेज है, ठीक है. तो इसी तरह से इंडेक्स नंबर भी एक बेटे एवरेज होती है. ये ऑन एन एवरेज बताता है कि प्राइसेस कितने बढ़े हैं या कितने कम हुए हैं. सो हो सकता है किसी कमोडिटी का प्राइस इससे ज्यादा बढ़ा हो, किसी कमोडिटी का प्राइस इससे कम बढ़ा हो. इंडेक्स नंबर्स इट शोज चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस ओनली, ठीक है बेटे, राइट. ओके, सो दिस वॉज अबाउट इंडेक्स नंबर. नाउ इंडेक्स नंबर बनता कैसे है, ठीक है. हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, बट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. जब हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटे, जब हमें मेजर करना है, मैंने कहा इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है, ठीक है. तो उस डिवाइस से हम किस तरह से चेंजेस को मेजर करते हैं, उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. बिफोर लर्निंग दैट लेट अस सी व्हाट वुड बी द डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स विच we will have to overcome, or we can also say these are the steps in the construction of index numbers. ठीक है, so first is purpose of index number. Index number different objectives के लिए construct किए जाते हैं, ठीक है. So, कोई भी इंडेक्स नंबर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उससे पहले आपको उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा. यू विल हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर. क्योंकि बेटे जो इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन है वो उसके ऑब्जेक्टिव, उसके पर्पस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है. सपोज करो मुझे इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है कि स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है. तो उस केस में देखो आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए. सपोज करो आपको प्राइस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, यानी प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है. तो किसके प्राइसेस, कमोडिटीज के प्राइसेस. तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी कमोडिटीज कंज्यूम करते हो और आपको कौन से ईयर का इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है और कौन से ईयर के साथ आपने कंपैरिजन करना है और उन दोनों ईयर्स में प्राइसेस क्या थे. ये आपके पास डेटा होना चाहिए तो आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, ठीक है. ये डेटा आप तभी कलेक्ट कर पाओगे अगर आपके सामने अपने इंडेक्स नंबर का पर्पस क्लियर है, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज आ रहा है, इसका डेटा, इसका इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है, ठीक है. तो मुझे वो कमोडिटीज लेनी पड़ेंगी जो स्टूडेंट्स कंज्यूम करते हैं,
like petrol, okay, like mobile services, like books, ठीक है, ये वाले मुझे कमोडिटीज लाइक क्लॉथ्स, राइट, वो लेनी पड़ेंगी. अगर मुझे इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है टू मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ टीचर्स, तो मुझे वो कमोडिटीज लेनी पड़ेंगी जो कि टीचर्स कंज्यूम करती हैं. सिमिलरली कौन से प्राइस लेने हैं वो भी डिपेंड करता है ऑन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर. अगर मुझे लेट अस से इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है फॉर मेजरिंग द चेंजेस इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मनी की परचेजिंग पावर में कितना चेंज आया है, तो मुझे जो प्राइसेस हैं वो होलसेल प्राइसेस लेने पड़ेंगे क्योंकि प्रोड्यूसर होलसेल पे बेचता है, ठीक है. अगर कंज्यूमर की बात करें तो वो रिटेल प्राइसेस, अभी हमने बात की ना होलसेल ट्रेड की और रिटेल ट्रेड की, तो बेटे होलसेल प्राइसेस और होलसेल ट्रेडर जो प्राइस चार्ज करता है वो होलसेल प्राइस हो गए, जो रिटेलर प्राइस चार्ज करता है वो रिटेल प्राइसेस हो गए. तो हम कंज्यूमर्स रिटेलर से लेते हैं, है ना. तो अगर हमें कंज्यूमर का इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो हम रिटेल प्राइसेस का डेटा लेंगे. अगर हमें होलसेलर का, हमारा ऑब्जेक्टिव है होलसेलर की परचेजिंग पावर में कितना चेंज आया है, तो उसके लिए हम होलसेल प्राइसेस का डेटा लेंगे, ठीक है. सो विच मीन्स फर्स्ट यू नो स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू डिफाइन द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव for which index number is being prepared, theek hai. So it's really important because it is the objective, theek hai, on which the nature and the format of the index number depends. Humne kaun sa data collect, kaun se prices lene hai, ye sab depend karta hai on the objective of the index number, theek hai bete, got it? Anyone having any doubt? Okay. So next problem or difficulty or even step in the construction of index number is the selection of base year. Selection of base year. First of all, what is the base year? Base year is the year with which comparison is made. राइट, लाइक इन दिस केस आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि भी आप इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करो, आप मुझे ये बताओ कि कंज्यूमर की कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस आए हैं ईयर 2021 में. तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू आस्क एज कंपेयर टू विच ईयर यू वॉन्ट मी टू मेजर चेंजेस. मैं आपसे पूछूं बेटे आपके मार्क्स कितने बढ़ गए, तो आप मेरे से क्या बता दोगे मेरे को, मैम मेरे मार्क्स इतने परसेंटेज बढ़ गए. You will definitely going to ask me, you are definitely going to ask me, ke ma'am, as compared to which test you are asking. Main bolungi previous test, ya main bolungi PT1 ke comparatively, theek hai. To jiske saath aapko comparison karna hai, jis year ke saath aapko comparison karna hai, us year ko kaha jata hai base year. For example, in this case, हम कह रहे हैं कि 2021 के प्राइसेस में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू 2019. सो दिस इज अवर बेस ईयर. सो वी हैव टू डिसाइड विच ईयर इज टू बी टेकन एज द बेस ईयर. ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा बेटे. एज ए स्टूडेंट तो आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, आपको बताया होगा कि ये करंट ईयर है, ये बेस ईयर है, ये इंडेक्स नंबर बना दो, ये कमोडिटीज है, ये डेटा है, ये प्राइसेस है. लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि कल को आपको, आप एक स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में जाते हैं, आपको सिर्फ सम्स नहीं सॉल्व करने, आपको पूरा ये डेटा भी खुद ही कलेक्ट करना है. तो ये डेटा कलेक्ट करना, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए आपको बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है. सो व्हाट इज द बेस ईयर? इट इज अ रेफरेंस ईयर. इट इज द ईयर विद विच कंपैरिजन आर मेड. सो कौन से ईयर को हम बेस ईयर हमें लेना चाहिए? फर्स्टली इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, दैट इज अ ईयर फ्री फ्रॉम अप्स एंड डाउन्स. मतलब अब हमारी गवर्नमेंट जब फ्यूचर में इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेगी तो आई गेस वो 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं लेगी. व्हाई नॉट? कैन यू टेल मी? कैन एनीवन टेल मी व्हाई 2020 शुड नॉट बी टेकन एज द बेस ईयर, रेफरेंस ईयर? मानसी, can you tell me? Anyone raise your hand? Why 2020 should not be taken as base year? Krish, okay, it is not a normal year, it is a pandemic year. सो देयर वाज अ लॉकडाउन जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम रही. तो लेट अस से अगर हम 2020 को बेस ईयर रखते हैं और 2022 की प्राइसेस या आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में चेंजेस देखते हैं, तो बेटे ऑब्वियसली इसमें जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि ये बेस इफेक्ट आ जाएगा ना, वीक बेस इफेक्ट. हमारा बेस ईयर ही वीक था, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपकी जो आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंज शो होगा. सो बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर. इट शुड बी द ईयर विच इज फ्री फ्रॉम एनी अप्स एंड डाउन्स. वॉर नहीं होना चाहिए, पेंडेमिक नहीं होना चाहिए उस ईयर में, ठीक है. कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं होनी चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी द वन इन यू नो वेरी फार ऑफ और इन द नियर फ्यूचर. ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल को बेस ईयर ले लो या पिछले 50 साल पुराने ईयर को बेस ईयर ले लो. अगर आप 50 साल पुराने ईयर को बेस ईयर लोगे बेटे तो कभी भी ट्रू फिगर आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है. तो 50 सालों में ऑब्वियसली प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपका फिर जो कंक्लूजन है वो ठीक नहीं निकलेगा. सो आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड द बेस ईयर, कीपिंग इन माइंड सर्टन थिंग्स लाइक इट शुड नॉट बी टू फार ऑफ इन द पास्ट, ठीक है, एंड इट शुड बी अ normal year free from ups and downs. Now coming to the next, selection of goods and services. Having defined the objective and having decided the base year, now you have to decide the goods and services which you are to, you know, take into consideration while constructing index number. ठीक है, देखो अगर लेट अस से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर हैं, हम अपनी डेली लाइफ में कितनी कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, थाउजेंड्स कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है. अभी अगर मैं आपको बोलूं ना एक लिस्ट बनाओ आप क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हो, तो आपके सामने जो हीटर पड़ा है, फैन है, बेड है, ये सब आप कंज्यूम कर रहे हो, टेबल है, यूनिफॉर्म है, क्लॉथ्स है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बींग कंज्यूम्ड बाई यू राइट नाउ. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द कमोडिटीज विच आर कंज्यूम्ड बाई द कंज्यूमर्स. सो इट्स यू नो नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल. ना तो पॉसिबल है कि आप जितनी कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं उन सबको हम इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में ले लें, और ना ही ये डिजायरेबल है, ठीक है. कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर कमोडिटी लेनी है, ठीक है. सो विच मीन्स यू हैव टू मेक अ चॉइस. आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? कि आप इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करें. सो द सिंपल यू नो डिसीजन इज बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट के वो कमोडिटीज चूज करो जो कि ऑलमोस्ट सबको रिप्रेजेंट करती है, जो वाइडली कंज्यूम्ड है. जैसे कि ये मैंने एक कमोडिटी लिखी है, मैं लिख सकती हूं वीट, वाइडली कंज्यूम्ड है, हम सब वीट कंज्यूम करते हैं,
milk. Again in India, milk has the largest market. ठीक है, so ये भी हम सब लोग consume करते हैं. Oil या घी, again it is consumed by all of us. Then cloth, rent, education fees, all these are consumed by most of the consumers in the market. So we can take these commodities into consideration. ठीक है, जितनी ज्यादा commodities होंगी उतना ज्यादा representative रहेगा आपका index number. लेकिन बहुत ज्यादा commodities करके select करके हम इसको complicate करेंगे. So number of commodities should neither be too large nor too small. ठीक है, अगर हम too small a number लेंगे तो वो representative नहीं होगी, बहुत ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल मेकिंग दिस डिसीजन, दैट इज द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर बेटे, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, सो मूविंग अहेड, सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब कमोडिटी सिलेक्ट हो गई, ये बेस ईयर सिलेक्ट हो गया 2019, करंट ईयर है 2021, यानी इसका इंडेक्स आपको प्रिपेयर करना है. बेटे रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही? बोर्ड क्लियर है? अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो मेरे को बता दो, मैं कुछ लाइटिंग का अरेंजमेंट करती हूँ. ओनली यू पीपल कैन टेल बेटर. हर्षिका क्लियर है? क्रिश, अगर आपको लगे बीच में ऐसे यू कैन ऑलवेज टेल मी. ओके फाइन, हां जी. सो नाउ यू हैव टू डिसाइड द प्राइसेस. ये वीट किस प्राइस पे, वीट का क्या प्राइस था 2019 में और 2021 में, मिल्क का प्राइस इन दीज टू इयर्स, ऑयल का, क्लॉथ का, रेंट का, फीस का प्राइस. अब आप बोलो मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्राइसेस तो कहीं से, प्राइसेस तो सेम, प्राइसेस सेम नहीं है बेटे. पहली क्वेश्चन ये कि होलसेल प्राइसेस ले के रिटेल प्राइसेस ले. रिटेल प्राइसेस वो है जिसपे कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, होलसेल प्राइसेस वो होते हैं जिसपे रिटेलर गुड्स खरीदता है. ठीक है, सो ये चॉइस होलसेल प्राइसेस लें के ये रिटेल प्राइसेस लें, ये अगेन डिपेंड करेगा ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स नंबर. अगर आप कंज्यूमर इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिटेल प्राइसेस लेने पड़ेंगे. अगर आप प्रोड्यूसर इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको होलसेल प्राइसेस लेने पड़ेंगे. सो तभी आपको जब कहा था पहली प्रॉब्लम या पहला स्टेप क्या इंडेक्स नंबर का, टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स नंबर, बिकॉज यू नो ऑल दीज डिसीजंस व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड, व्हाट प्राइसेस आर टू बी टेकन. ठीक है, ऑल दीज डिसीजंस डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो क्लियर हो गया कौन से प्राइसेस पे गुड्स लेने हैं. अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, सपोजिंग आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने आपको बोल दिया रिटेल प्राइसेस ले लो. अब थ्योरेटिकली आपको क्लियर हो गया हाँ जी रिटेल प्राइस ले लेते हैं, कल को आप इंडेक्स प्राइसेस कलेक्ट करने जाओगे, हर रिटेलर के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं या नहीं, रिटेलर के भी प्राइसेस डिफर करते हैं, तो आप कौन से प्राइसेस लो, अगेन आपकी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यू नो क्लास को केटर कर रहे हो और वो कहां से अपनी परचेजिंग करती है, आप वो वाले प्राइसेस ले लो. ठीक है, देन नेक्स्ट बेटे सिलेक्शन ऑफ वेट्स. वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब आप कभी किसी कमोडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और किसी कमोडिटी को कम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको वेट असाइन कर देते हैं. इंडेक्स नंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर.
सिंपल इंडेक्स नंबर में हर कमोडिटी को सेम वेट दिया जाता है, इक्वल वेटेज दी जाती है, ठीक है। लेकिन वेटेड में कमोडिटी को अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस वेट्स असाइन किए जाते हैं। जैसे लेटर से आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बोलूं बेटे क्या आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे नो मैम, फॉर अस अकाउंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंग्लिश और देन मैथ्स, राइट। सो अगर मैं आपको बोलूं वेट्स असाइन करो अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस, यू माइट असाइन 5 वेट टू अकाउंटेंसी, 4 टू इकोनॉमिक्स, 3 टू बिजनेस स्टडीज, 2 टू मैथ्स एंड 1 टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये वेट्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वेट्स कैसे असाइन करने हैं आपको ये आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। कई बारी वेट्स वो लिए जाते हैं जितनी आपने किस कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम की है उसको वेट मान लिया जाता है। अगर आप मिल्क 2 लीटर डेली ले रहे हो, ठीक है, वीट 1 kg डेली ले रहे हो, तो ये इसका वेट 1 kg और इसका वेट 2 लीटर हो सकता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ एन एवरेज, क्योंकि हमने पहले कहा इंडेक्स नंबर्स जो है वो चेंजेस मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस अलग अलग तरह की होती है, मीन है, मीडियन है, मोड है, इवन ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपको कौन सी एवरेज यूज करनी है वाइल कैलकुलेटिंग और कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, जनरली वी मेक यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, हम अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। देन लास्ट इज बेटे सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, देर आर वेरियस स्टैटिस्टिशियंस हु हैव गिवन वेरियस फॉर्मूलास टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। So before we proceed, we have to select the appropriate formula. हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा statistician का formula जो है वो suit करता है हमारे index number के लिए, हमें उसकी choice करनी पड़ेगी and then we can proceed with constructing the index number, keeping all these things in mind. ठीक है, so बेटे these were the problems. And from tomorrow, we will be starting with the methods of construction of index number. So you have to keep notebooks, pens ready with you. कल से हमारा numerical portion start हो जाएगा। यहाँ तक बेटे किसी को कोई doubt है, you can ask.